हाय गाइस, वेलकम टू कार एंड क्रूज़। और आज हम लोग हैं फिर से टीसी मोटर्स में, और आज हम लोग देखने वाले टाटा सफारी एडवेंचर का वक्रम रिव्यू। तो गाइस, जो भी नया है मेरे चैनल में, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब वीडियो को। आज हम लोग बात करने वाले हैं टाटा सफारी एडवेंचर ट्रॉपिकल मिस्ट कलर के ऊपर, और सामने से देख पा रहे हो काफ़ी बोल्ड लगता है टाटा सफारी का लुक्स। तो फॉग लैंप में आपको देखने को मिल जाएगा हेलोजन रिफ्लेक्टर। अगर बात करें हेडलाइट की, तो हेडलाइट में आपको हाई बीम में आपको रिफ्लेक्टर हेलोजन ही देखने को मिलेगा, लो बीम में आपको HID जेनॉन आपको मिल जाएगा, और DRL आपको LED विथ इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा। बोनेट के नीचे आपको सफारी का बैजिंग, पियानो ब्लैक फिनिश में ग्रिल, टाटा का लोगो बीच में, ये सारा चीज़ टाटा सफारी के फ्रंट लुक को काफ़ी इन्हेंस करता है। तो साइड पर से टाटा सफारी एडवेंचर कुछ इस तरह सा दिखता है। मेन फीचर्स का बात करें तो आपको पियानो ब्लैक फिनिश में ऑटो फोल्ड ORBM देखने को मिल जाएगा। डोर हैंडल आपको डुअल टोन फिनिश विथ रिक्वेस्ट सेंसर के साथ देखने को मिल जाएगा। टायर प्रोफाइल आपको 235/60R18 का देखने को मिल जाएगा। एलॉय व्हील भी आपको ट्रॉपिकल मिस्ट कलर के साथ डायमंड कट डिज़ाइन में मिल जाएगा। बाकी स्पेसिफिकेशन का बात करूँ तो यहाँ पे आपको ब्लैक कलर का क्लैडिंग मिल जाएगा डोर के नीचे, और 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको देखने को मिल जाएगा टाटा सफारी में, जो कि सेगमेंट में बेस्ट है। तो ओवरऑल ग्लास एरिया का बात करें तो ग्लास एरिया काफ़ी शानदार दिया गया है, और अंदर से आपको काफ़ी एयरी फील होगा। रूफ रेल में आपको सफारी का बैजिंग देखने को मिल जाएगा, और रूफ रेल भी काफ़ी मस्कुलर दिया गया है टाटा सफारी में। तो रियर प्रोफाइल से देखें तो टाटा सफारी कुछ इस तरह लगता है। और बात करें इसके स्पेसिफिकेशन की, तो यहाँ पे आपको हाई स्टॉप माउंट लाइट के साथ स्पॉयलर देखने को मिल जाएगा, नीचे में आपको डिफॉगर देखने को मिल जाएगा विथ वाइपर आपको मिल जाएगा, यहाँ पे रिवर्स पार्किंग कैमरा यहाँ पे मिल जाएगा, और बूट खोलने का सेंसर भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो बात करें रिवर्स पार्किंग सेंसर की, तो दो रिवर्स पार्किंग सेंसर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, और टाटा सफारी एडवेंचर में भी 360 डिग्री कैमरा नहीं आता है। तो चलिए बूट खोलते हैं और देखते हैं कितना स्पेस मिलता है बूट में। तो भाई बूट तो भाई बहुत हैवी है, टाटा को यहाँ पे इलेक्ट्रिक वाला फंक्शन देना चाहिए था। तो चलिए ठीक है, यहाँ पे आपको बूट बंद करने के लिए ग्रैब हैंडल मिल जाएगा। और स्पेस का बात करें तो आपको यहाँ पे 73 लीटर्स का ही ओनली बूट स्पेस मिलेगा, लेकिन आप अगर थर्ड रो का सीट बंद कर दोगे तो आपको 447 का बूट स्पेस मिल जाएगा। तो पीछे का डोर की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको JBL का ट्विटर, JBL का स्पीकर, ग्रैब हैंडल जो कि लेदर टेक्सचर में दिया गया है, और यहाँ पे आपको डुअल टोन फिनिश में डोर देखने को मिल जाएगा, क्रोम फिनिश में आपको डोर हैंडल मिल जाएगा, विंडो अप डाउन के बटन विथ इल्यूमिनेशन, काफ़ी शानदार डोर में आपको स्टोरेज देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे बहुत सारा चीज़ आप रख सकते हो। और पीछे से आप सामने का डैश का लुक देख सकते हो, काफ़ी शानदार लगता है टाटा सफारी का सामने का डैश का पूरा लुक। तो अभी अगर बात करें कि रियर सीट में आपको कितना कंफर्टेबल मिल सकता है, जैसे मेरा हाइट है 5'8", तो आप देख सकते हो ये 7-सीटर वाला वर्जन है सफारी का। तो अभी आप लेग रूम यहाँ पे देख सकते हो, सामने वाला एडजस्ट किया नहीं मैं अभी तक मेरे हिसाब से, तो ज़रा सा पीछे किया हुआ है, उसके बाद भी अच्छा कंफर्टेबल है। तो सीट में पॉकेट्स भी आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, और सीट का कलर का अगर बात करूँ तो इसमें आपको बेज कलर मिलेगा, तो आपको सीट कवर एक लगाना तो पड़ेगा यहाँ पे, और अंडर थाई सपोर्ट भी सीट का काफ़ी कम्फर्टेबल था। अगर पीछे का सीट की बात करूं तो पीछे में जाते हैं, बैठ के देखते हैं कितना कंफर्टेबल है। तो चलिए चलते हैं पीछे और देखते हैं इसका। तो बीच वाले सीट में भी आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएगा, और इसमें भी आपको पीछे वाले में भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा है ये चीज़। और लास्ट सीट का अगर बात करूँ तो मैं 5'8" का हूँ, और आप देख सकते हो अभी भी एक उंगली भी कम से कम है जगह, तो मुझे तो फिलहाल कंफर्टेबल लग रहा है यहाँ पे। तो
इस सेगमेंट में मुझे तो ये टाटा सफारी का पीछे का सीट का जो स्पेस है ये काफ़ी अच्छा लगा है। और यहाँ पे पीछे सीट में आपको यहाँ पे ऊपर मिल जाएगा और कुछ स्टोरेज यहाँ पे, और यहाँ पे आपको दो चार्जर का पॉइंट मिल जाएगा। एसी वेंट आपको यहाँ मिल जाएगा, एसी वेंट को आप एडजस्ट भी कर सकते हो, यहाँ से नॉब दिया गया है, स्टोरेज यहाँ भी दिया गया है। और बाकी हेडरूम का बात करूँ, मेरे हिसाब से तो हेडरूम काफ़ी अच्छा है। पीछे में भी लाइट आपको मिल जाएगा यहाँ पे, वो भी एलईडी लाइट मिल जाएगा। और तो अभी चलते हैं सामने ड्राइवर सीट में और देखते हैं कौन सा फीचर्स सामने दिया गया है। चाबी कुछ ऐसा मिल जाता है आपको, दो चाबी मिल जाएगा और इसको लॉक करोगे तो ऐसा अनलॉक वार व्यू ऑटो फोल्ड है। तो चलिए अंदर बैठते हैं, बात करते हैं। तो डोर में आपको डोर ग्रैब हैंडल आपको ये लेदर टेक्सटाइल में मिल जाएगा, चार पावर विंडो का कंट्रोल आपको डोर में मिल जाएगा, यहाँ से वार व्यू आप कंट्रोल कर सकते हो। और ये लाइट दिया गया है डोर में जो कि काफ़ी शानदार चीज़ है। स्टोरेज भी भरपूर दिया गया है टाटा सफारी के इसमें। और भाई जब दरवाज़ा बंद करते हो ना, वो जो आवाज़ है वो आपको फील देगा। तो सीट आप ऑटोमेटिक एडजस्ट कर सकते हो यहाँ से, बस आप ड्राइवर सीट कर सकते हो। को ड्राइवर में ये वाला फीचर्स नहीं दिया गया है ऑटोमेटिक वाला। तो स्टीयरिंग व्हील आपको फ्लैट बॉटम टाइप में नहीं देखने को मिलेगा, आपको राउंड शेप में देखने को मिलेगा और काफ़ी अच्छा लुक्स है इसका। और इसमें आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स और क्रूज कंट्रोल देखने को मिल जाएगा। तो MID का लुक्स दिखा देता हूँ आपको। तो मैनुअल एंड डिजिटल दो कॉम्बिनेशन में MID आपको मिल जाएगा, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा लगता है। पूरा डिजिटल उतना मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता है, इसका जो MID का ये है बहुत अच्छा। और इसमें आपको सारा चीज़ का इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, जैसे आपको दिखा देता हूँ, डिस्टेंस टू MT, वेट मोड, यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ, जैसे आपको दिखाया अभी वेट मोड, रफ रोड मोड, सिटी मोड, और एक जगह है यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो, स्पोर्ट मोड, इकोनॉमी मोड। तो काफ़ी सारा फीचर्स दिया गया है सफारी में, और जो कि मेरे हिसाब से तो ओर्थ लगता है इस प्राइस रेंज के हिसाब से। इसका अगर सीधा टक्कर हम बोल सकते हैं तो अभी फिलहाल तो MG एक्टर चल रहा है। तो इन्फोटेनमेंट सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो 8 इंच का टच स्क्रीन आपको यहां पे देखने को मिल जाएगा विद आयरा कनेक्टेड फीचर्स के साथ। और इसमें आपको 4 JBL का स्पीकर, 4 JBL का ट्विटर, 1 JBL का सब ऊपर, भाई साउंड क्वालिटी तो गजब है इसका। तो पुश स्टार्ट बटन आप राइट साइड में देख सकते हो। तो ये डीजल ऑटोमेटिक वाला वर्जन है, गियर नॉब आप देख सकते हो, और इसमें ऑटो पार्किंग और ऑटो होल्ड का भी बटन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे बटन जो सारा है इसमें आप स्पोर्ट्स मोड, इको मोड और सिटी मोड में चेंज कर सकते हो। तो यहाँ भी एक बटन दिया गया है, यहाँ से आप रफ रोड मोड, वेट मोड चेंज कर सकते हो। तो काफ़ी कमेंडिंग पोजीशन वाला यहाँ पे आपको ड्राइवर सीट मिल जाता है। और कुशनिंग का अगर बात करूँ तो जरा सा मुझे थाई सपोर्ट का यहाँ पे कम लगा है, लेकिन उतना भी नहीं है, बहुत कंफर्टेबल है। बकेट सीट है तो कंफर्टेबल, बहुत अच्छा लगता है यहाँ से। और ग्लोब बॉक्स का बात करूँ तो यहाँ पे आपको कूल ग्लोब बॉक्स मिल जाएगा और लाइट भी आपको देखने को मिल जा रहा है। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन ठीक ठाक है। फिनिशिंग का बात करूँ तो यहाँ पे ब्लैक फिनिश में आपको डैशबोर्ड मिल जाता है, जिसका क्वालिटी बहुत अच्छा है। सनरूफ का सारा स्विच आपको यहाँ पे मिल जाएगा, वो भी इल्यूमिनेटेड मिल जाएगा आपको।
दो यहाँ पे माइक आपको मिल जाएगा, कोई भी सनग्लास के लिए होल्डर तो मुझे नहीं दिख रहा है, नहीं है। ग्रैब हैंडल यहाँ पे मिल जाएगा, इस तरफ आपको ग्रैब हैंडल नहीं मिलेगा। तो एक बार सनरूफ खोलते हैं, काफ़ी बड़ा सनरूफ दिया गया है यहाँ पे, पैनोरामिक सनरूफ है, काफ़ी अच्छा विजिबिलिटी है। और आप देख पा रहे हो ये पूरा खुल जाएगा, एक सेकंड, तो ये पूरा खुल जाएगा और आप देख पा रहे हो कि यह ए सीट से आप यहाँ पे आराम से निकल सकते हो। तो फिलहाल सनरूफ बंद करते हैं। तो इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में अगर बात करें तो आपको यहाँ पे 2 लीटर का टर्बो डीजल इंजन मिल जाएगा और जो 168 bhp एंड 350 nm टॉर्क प्रोड्यूस करता है, तो काफ़ी टॉर्की इंजन यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन आपको टाटा सफारी पेट्रोल वर्जन में नहीं मिलेगा, बस डीजल वाले वर्जन में ही मिलेगा। तो टाटा सफारी का प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर बात करें तो टाटा सफारी बेस है D8 प्लेटफॉर्म फ्रॉम लैंड रोवर। हालांकि इसका क्रैश टेस्ट रेटिंग अभी तक आया नहीं है, तो जब क्रैश टेस्ट रेटिंग इसका आ जाएगा तो उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। तो आज के लिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना एकदम मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं कोई नेक्स्ट ऐसा ही इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।